बुलेट सवार युवकों ने रॉड से हमला करके बाइक चालक को लूटा। वाथोड़ा पुलिस ने आरोपी बंधु और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पवन ज्ञानेश्वर बुरडकर, उसका भाई अक्षय बुरडकर और साथी मयूर चंद्रकांत नवघरे है। उनके नाबालिग साथी को भी बंदी बनाया गया है। मंगलवार की रात 11:30 बजे तौरिक शेख मुख्तार बाइक पर सवार होकर जा रहा था। आरोपी बुलेट पर सवार होकर वहां आए। वे स्टंट दिखाते हुए बुलेट चला रहे थे। तौरिक ने उन्हें ठीक से ड्राइविंग करने की नसीहत दी। इससे आग बबूला होकर तीनों ने नाबालिग साथी को बुलाया, रॉड से सिर पर हमला करके तौरिक को जख्मी कर दिया। उसे 3,500 रुपये लूटकर फरार हो गए। तौरिक ने वाथोड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 23 तारीख को रात को 11:30 बजे वाथोड़ा चौक में एक हादसा हुआ था। एक मोटरसाइकिल वाले को एक बुलेट पे तीन लोगों ने कट मार के उज्जत किया था, गाली गलौज किया था। उसके बाद उसमें जो बुलेट में आए हुए थे जो आरोपी, उन्होंने उसको रॉड से मारा था और जबरन से 3,500 रुपये लेके भाग गए थे। उसके हमारी वाथोड़ा की जो डीबी टीम है, उनमें से डीबी अधिकारी राउत साहब और उनके पतक ने 8 घंटे में वो सब आरोपी, 3 आरोपी और एक नाबालिग आरोपी है, उनको सबको पकड़ के हमने अरेस्ट किया है। उनका बुलेट जो है वो हस्तगत हुआ है। अभी तक मुद्देमाल जो 3,500 है वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, उसका तहकीकात चालू है। पकड़े गए आरोपी का नाम है पवन ज्ञानेश्वर बुरडकर और दूसरे का नाम है अक्षय ज्ञानेश्वर बुरडकर। ये दोनों बहादुरा रोड के रहने वाले हैं और तीसरा मयूर चंद्रकांत नवघरे, ये खरबी का रहने वाला है। इसमें जो मोटरसाइकिल जब्त हुआ है, एक मोटरसाइकिल का नंबर है MH49AH740 और दूसरा जो है बुलेट उसका नंबर है MH49CG1009 और एक लोखंडी रॉड है जो और जब्त हुआ है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।